बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि 1,24,000 पैगंबर आपसे मुसाफा करें तो 15 शाबान की रात ये अमल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से नीमा शाबान यानी निस्फ शाबान की रात के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि ये रात शबे कद्र के अलावा तमाम रातों से अफजल है, बस इस रात तकर्रुबे इलाही हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। इस रात खुदाए ताला अपने बंदों पर फजलो करम फरमाता और उनके गुनाह माफ करता है। हक ताला ने अपनी जाते मुकद्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी साइल को खाली ना लुटाएगा सिवाय उसके जो मासियत और नाफरमानी से मुतलिक सवाल करे। खुदा ने ये रात हमारे लिए खास की है, जैसे शबे कद्र को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस फरमाया। बस इस शब में ज्यादा से ज्यादा हमदो सुनाओ इलाही करना और दुआओं मनाजात में मसरूफ रहना चाहिए। इस रात की अजीम बशारत सुल्तान असर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत है, जो 255 हिजरी में बवक्ते सुबह सादिक सामरा में हुई। और इस रात के चंद एक अमाल हैं। नंबर एक, गुसल करना के जिससे गुनाहों में तकफीफ होती है। नंबर दो, नमाज और दुआओं अस्तगफार के लिए शब बेदारी कर ले के इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स इस रात बेदार रहे तो उसके दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के कुलूब मुर्दा हो जाएंगे। नंबर तीन, इस रात का सबसे बेहतरीन अमल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत है कि जिससे गुनाह माफ होते हैं। जो शख्स ये चाहता है कि 1,24,000 पैगम्बर उससे मुसाफा करें तो वो कभी इस रात ये जियारत तर्क ना करे। और उनकी छोटी से छोटी जियारत ये है कि अपने घर की छत पर जाए, अपने दाएं बाएं नजर करे, फिर अपना सारा आसमान की तरफ बुलंद करके ये कलिमात कहे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम हो आप पर ए अबू अब्दुल्ला, सलाम हो आप पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। नाजरीन, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप कम अज़ कम 5 बार शबे बरात में अपनी हाजात को जहन में रख कर अव्वल व आखिर 5 बार दुरूदे पाक के हमरा पढ़ी, इंशाल्लाह इस ज़ियारत के फैज़ से आपकी हाजात बारिश के कतरों जितनी भी हुई तो बारगाहे इलाही में कबूलियत का फौरी दर्जा पा लेंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपकी तमाम नेक दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।